मेघालय में चुनावी सरगर्मी तेज है। यहां 27 फरवरी को चुनाव होना है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी के बयान ने चुनावी हलचल को और बढ़ा दी है। मावरी ने चुनाव से ठीक पहले एक इंटरव्यू में मावरी ने कहा कि भाजपा में बीफ खाने पर कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने कहा कि वो खुद बीफ खाते हैं और इसमें किसी को भी कोई समस्या नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के अंदर कोई समस्या नहीं है। पार्टी किसी जाति, पंथ या धर्म के बारे में नहीं सोचती है। हम जो चाहे खा सकते हैं, ये हमारी खाने की आदतों में शामिल है। किसी राजनीतिक दल को इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब मावरी से पूछा गया कि हिंदू धर्म में तो गाय को पवित्र माना जाता है, इस पर उन्होंने कहा कि वो अपनी भोजन की आदतों का पालन करते हैं और इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसे लेकर हमें कोई निर्देश नहीं मिला है। उन्होंने आगे कहा कि मेघालय में हर कोई बीफ खाता है और राज्य में इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मावरी ने आगे कहा कि ये हमारी आदत और संस्कृति है। बीफ से जुड़े मुद्दे पर टिप्पणी करने के अलावा मावरी ने आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा की संभावनाओं को लेकर भी बातचीत की कि सभी 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। उन्हें उम्मीद है कि वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि मेघालय में NPP और UDP के साथ कड़ा मुकाबला होगा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि आगामी चुनाव में उनकी पार्टी कम से कम 34 सीट जीतेगी। हालांकि ये लोगों पर निर्भर करता है कि वो किसे वोट करते हैं। इसके साथ ही मावरी ने कहा कि अगर लोग राज्य में शांति और विकास चाहते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से भाजपा को राज्य में शासन करने का मौका देना चाहिए। आपको बता दें कि मेघालय में 27 फरवरी 2023 को 60 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसका नतीजा 2 मार्च को घोषित किया जाएगा।